ఓం అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాదిరాజా యోగి రాజా పరం బ్రహ్మ సచిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై. ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతే విష్ణు పరాం ప్రేయసీ తద్వక్షస్థల నిత్యవాసరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం. मैं सभी साई भक्तों को प्रणाम करते हुए एक अद्भुत बाबा का लीला का वो ले चलती हूँ. ये लीला हैदराबाद निवासी श्रीनिवास जी का है, उन्हीं की बातों में सुनेंगे. सभी साई भक्तों को साई राम. मेरा नाम श्रीनिवास है, हम सरूर नगर हैदराबाद में रहते हैं. मैं जब 13 साल का था एक एक्सीडेंट हुआ था. वो जगह का सामने एक बाबा का मंदिर भी था. मेरा हाथ में बहुत खून गिर रहा था तो एक बाबा का भक्त ने बाबा का उदी लगा के कपड़ा बांध दिया था. दूसरे दिन मैं खोल के देखा तो पूरा ठीक हो गया था, एक दाग भी नहीं था. तब से मुझे बाबा का ऊपर बहुत विश्वास है. बाबा भक्ति करते करते मैं बड़ा हो गया. वहाँ मैं दिलसुख नगर बाबा मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता हूँ. हमको तो सुबह और रात ड्यूटी करना पड़ता है. एक दिन मेरा रात का ड्यूटी था. मैं ठीक 12 बजे पानी पीने के लिए मंदिर का अंदर गया, पानी पिया, थोड़ा बाबा का वो देखने का इच्छा था. बस वहाँ मैं एक अद्भुत दृश्य देखा. शिरडी साईनाथ सफ़ेद कपड़ा पहन के वो सीढ़ी का ऊपर बैठा था. मेरा और देख के अभय हस्त दिखा रहा था. बहुत सुंदर मुख था बाबा का. मेरा दोनों आँख वो दृश्य को देख के पानी भर आया. विश्वास ही नहीं हुआ मुझे. बाबा का निज स्वरूप देख के मैं आश्चर्य हो गया. बाबा से बहुत प्रार्थना किया, बाबा कौन सा जन्म में मैं बहुत पुण्य किया होगा तेरा दर्शन पाया. बस इस जीवन को इतना काफी है साई, ऐसा नमस्कार करके बाहर आ गया. ये घटना सुबह में सबको बोला. सबको ये बहुत खुश हुआ, बोला कि तुम धन्य हो गया श्रीनिवास. ऐसा करके मुझे सबको ही बधाई दिया. मैं इस लीला आप लोगों का साथ शेयर करने से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है. ऐसा ही अनेक लीला यदि आप सुनना चाहता है कि देखना चाहता है तो sailila.com में जाइए, आपको भरपूर लीला उधर मिलेगा. सर्वम साईनाथार्पणमस्तु.